नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 19 अगस्त, जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच अच्छी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, आपको बता दें कि COVID-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होने जा रहा है। भारत के लिए एक अच्छी सुखद खबर निकल के आ रही है, लाल किले से पीएम मोदी का वो अमली जामना पहनता दिख रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार, जी हाँ, जानेंगे कैसे टूटने जा रही है ड्रैगन की कमर। तो वहीं बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ईरान ने यूएई को धमकी दी थी इसराइल से दोस्ती के बाद, तो यूएई ने उठाया बड़ा कदम, जिसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच हर साल औसतन 80 पायलट छोड़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ ने दिया, जी हां, जानेंगे कैसे सीएम योगी ने चीन की कंपनियों को, चीन से दक्षिण को साउथ कोरियन की कंपनियों को यूपी बुलाने का ऐलान कर दिया, और यूपी आने वाली हैं कंपनियां, ये भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश COVID-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दुनिया भर में देश भर में कोविड-19 के आंकड़े 27,63,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 27,63,947 लगभग 64,000 करीब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही बात करें तो 62,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मृतकों की संख्या 53,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तो ही वर्तमान में रिकवर यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी 20,35,000 को पार कर गया है, यानी वर्तमान में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा, कल ही 58,000 ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इस बीच एक्टिव केसेस 6,75,000 के करीब हो चुके हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। दरअसल लद्दाख सीमा पर चीनी सेना का अड़ियल रवैया जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के पेंगोंग से और डोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पर भी अपना फॉरवर्ड पोजीशन पर काबिज है, और वादे के मुताबिक ड्रैगन डी एक्सक्लेशन के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि स्थिति से चीन से निपटने के लिए एक तरफ मोदी सरकार जहां राफेल समेत तमाम अपने युद्धक विमानों को लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कूटनीतिक तरीके से चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना का लद्दाख में 1,597 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर बने रहने के लिए कहा गया है। और इस बीच आपको बता दें कि चीनी सेना की कार्रवाई से दरअसल तिब्बत के कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र में उनकी सैन्य मुद्रा पर चर्चा की गई थी 2 दिन पहले, लेकिन आपको बता दें कि चीन अड़ियल रवैये के कारण फिलहाल अब वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी को देखते हुए मोदी सरकार अब कूटनीतिक तरीके से चीन को बड़ा झटका देने के लिए अब उसके समानांतर यानी चीन की तरह ही अब वो भी फायर ऑप्टिकल केबल भी बिछाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख और पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में भारत में निर्मित तेजस फाइटर जेट को भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन तमाम चीनी कंपनियों के साथ ही अलीबाबा समेत तमाम कंपनियों पर भी स्ट्राइक मोदी सरकार करने वाली है। इसके साथ कई और बड़े प्लान्स भी हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के साथ मीटिंग की है अजीत डोवाल ने, और जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़ा हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं चीन जो लगातार पीछे पड़ा हुआ है उसको बड़ा झटका लग सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट, COVID-19 वैक्सीन को लेकर तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में वैक्सीन की प्रगति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें सफलता मिलने के बाद समय वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल पीएम मोदी ने 15 अगस्त से कहा था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भारत में 3-3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, और इनमें से एक वैक्सीन कोवैक्सीन, जिस पे लगभग सारे 2 स्टेज पार कर लिया गया है और तीसरे फेज का ट्रायल चालू है। आपको बता दें कि शायद आपको रूस वैक्सीन को लेकर आपको ये लगा होगा कि रूस में वैक्सीन बन गई है,
लेकिन सच्चाई रूस की भी दोस्तों यही है कि महज 2 फेज का ही ट्रायल होने के बाद उसने उस वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय रूस ने मुहर लगा दी। लेकिन भारत में अब 3रे फेज का ट्रायल चलने वाला है, यानी 2रे फेज में इसमें भी पास हो चुका है। अगर हम रूस के जरिए देखें तो भारत में उस तरीके का वैक्सीन भी बन चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ईरान की धमकी भी पड़ रही है भारी। पाकिस्तान तो यूएई ने करारा जवाब दिया था, अब यूएई ईरान पर भी भड़क गए। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के साथ समझौते को अपना स्वतंत्र फैसला बताया है। यूएई ने इस मामले में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की धमकी पर भी कड़ा विरोध जताते हुए अस्वीकार और भड़काऊ भाषण बताया है। इसके लिए अबू धाबी में ईरान राजदूत को तलब किया गया था। विदेश राज्य मंत्री अनवर गारवास ने कहा है कि यूएई इसराइल समझौते का ईरान से कोई वास्ता नहीं है। हम ये बात पहले भी कह चुके हैं। हम अपने फैसलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे बयानों से खाड़ी क्षेत्रों की स्थिरता पर गहरा असर पड़ेगा। ईरानी राष्ट्रपति रूहानी ने शनिवार को कहा था कि यूएई ने इसराइल से हाथ मिलाकर बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने इसे फलस्तीन और खाड़ी देशों के साथ विश्वासघात भी करार दिया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि इस साल औसतन 80 पायलट छोड़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। दरअसल बीते 10 सालों से भारतीय वायुसेना यानी IAF के 998 पायलटों ने इस्तीफा दिया। ये चौंकाने वाला खुलासा खुद भारतीय वायुसेना ने खुद सूचना के अधिकार RTI वाली याचिका के जवाब में किया, जो इंडिया टुडे की ओर से दाखिल किया गया। दरअसल IAF के पायलटों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। 1 फरवरी 2018 को सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि वायुसेना के पास 4851 की स्वीकृति शक्ति के मुकाबले 3855 पायलट ही थे। इसलिए 2018 में ही वायुसेना 376 पायलटों की कमी का सामना कर रहा था। ये स्थिति IAF की तैयारियों के अनुकूल नहीं है। 2016 में भी 100 पायलटों ने 2017 में 114 भारतीय वायुसेना को छोड़ा था। ऐसे हालांकि आपको बता दें कि ये प्रोसेस वायुसेना की तरफ से कहना है कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबे से चला रहा है, कोई नई बात नहीं, लेकिन इससे कई गुना इसमें एंट्री भी कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का दाम, शिक्षकों की सैलरी 22% बढ़ाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चला है। नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा किया गया। नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस फैसले के बाद सरकार के खजानों पर 27-65 करोड़ रुपये का निवेश बढ़ेगा। कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लगा दी गई। नई सेवा शर्त नियमावली के लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन और स्थानांतरण जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। दरअसल यूपी में आने वाले है कोरियन कंपनी, जी हां, लगाएंगी बहुत बड़ी फैक्ट्री। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को संशोधित किया गया है और अब अधिक आकर्षक भी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया के एडिसन मोटर्स के प्रबंधन निर्देशक YK ली के नेतृत्व में एक मंत्री प्रतिनिधि मंडल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने आज कल अपने निवास पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण किया और राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन संयंत्र स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस तरीके से अब एक बड़ी फैक्ट्री यूपी में आने वाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग अपडेट निकल के आ रही है। AMU वेबिनार में टर्की की प्रोफेसर को भी बुलाया गया। BJP ने MHRD से की शिकायत। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 13 अगस्त को आयोजित हुए एक वेबिनार में टर्की के गिरशेनु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिलाली साहिन को भी आमंत्रित किए जाने पर बीजेपी ने एतराज जताया। बीजेपी नेता ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि टर्की से हमारे रिश्ते हमेशा खराब रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। ऐसे में 13 अगस्त को AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित वेबिनार में टर्की की प्रोफेसर को आमंत्रित करना ये अपने आप देश विरोधी घटना है। आपको बता दें कि इस वेबिनार में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर तारिक मंजूर भी मौजूद थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि वेबिनार आखिर क्यों आयोजित किया गया था और इसका मकसद क्या था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदू बताकर की शादी, कराया धर्म परिवर्तन। वीडियो में लड़की ने कई खुलासे किए।
दरअसल देश भर में एक तरीके का कहीं ना कहीं एक माहौल चल पड़ा है कि हिंदू लड़कियों से शादी करो और उनका धर्म परिवर्तन करा दो। यही मामला एक और फिर सामने आया है ग्वालियर से, जहां पर एक लड़की इसी का शिकार हो गई और फिर जब उसके सामने सच्चाई आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की हिंदू बताकर, बाद में जब ये खुलासा हुआ तो वो लड़की ने सारी सच्चाई बताई है। तो दोस्तों आप भी सचेत रहें, इस तरीके के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कई बहुत बड़ी एजेंसियां चल रही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। लेकिन अब आप समझिए कि ये जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं शायद कांग्रेस के मुंह पे करारा तमाचा होगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 70 सालों में जितने आईएएस रिजल्ट के परिणामों में अल्पसंख्यकों ने टॉप नहीं किया था वो पिछले 2017 के हुए परीक्षा में टॉप किए हैं। क्या देश में बिना पढ़ाई के माहौल हुए भी ना? दरअसल मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित कुल 829 युवाओं में 145 से अधिक मुस्लिम समुदाय से हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर इस बार लोगों में पढ़ाई का चस्का भी है। इसमें से 22 युवा गरीब, कमज़ोर और वंचित तबके से आते हैं। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की नई उड़ान योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए चलती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के लिए भी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति करना तो है तो करेंगे ही। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि कंगना रनौत बोली, गुंजन सक्सेना एंटी नेशनल फिल्म है, करण जौहर का पद्मश्री वापस ले सरकार। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत एक बार फिर से हमला बोला है। दरअसल इस बार गुंजन सक्सेना नाम की फिल्म पर हमला बोला है। दरअसल बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस कंगना रनौत एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं, देश विरोधी फिल्में बन रही हैं, ये तो पूरी तरीके से ट्रेंड चल गया। ये तभी बंद होगा जब हम आप जैसे लोग जो इस फिल्म को बढ़ावा देते हैं और देखते हैं, अगर वो देखना करेंगे तो ऐसे फिल्म नहीं बनेंगी। दरअसल आपको बता दें कि करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कंगना रनौत की टीम ने इस फिल्म को मेकर करण जौहर पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये गुंजन सक्सेना ये एंटी नेशनल फिल्म है, इनमें एक पायलट गुंजन सक्सेना को लेकर बहुत अजीबो गरीब से, यानी कहीं ना कहीं उसको डिफेम करने की कोशिश की गई और पायलट के पद को डिफेम करने की इसमें कोशिश की गई है। ऐसे में इस तरीके की ऐसी फिल्म जिसमें पायलट को पूरी तरीके से भारतीय पायलटों का मनोबल डाउन हो, ऐसी फिल्मों को बायकॉट करना चाहिए। और इसी को लेकर फिर से करण जौहर पर हमला बोला है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश के नेता का अजीबो गरीब बयान, बोले कोविड-19 बीजेपी की है साजिश। जी हाँ, दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियात बरतने की जहां सलाह दे रहे हैं, तो उनके नेता अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी लौटन सिंह ने कहा है कि कोरोना एक महामारी नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश है। लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से हो रही है। इस तरीके से उनका कहना है कि जब आज चुनाव सर पर है तो लोग किस तरीके से सरकार उन पर शिकंजा कसे नेताओं पर, अब कोरोना लाकर शिकंजा कस रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा कर सकें। तो अब ये नई नई बातें आने लगी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस, आज सुप्रीम कोर्ट देगा अपना फैसला। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार यानी आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल मुंबई पुलिस ही पूछताछ करे, बिहार पुलिस और सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि फिलहाल इस पर सुनवाई होने वाली है और इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगी सीबीआई जांच के बाद
तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दुनिया भर में COVID-19 2,18,00,000 को पार कर गया है, 2,18,26,000 तो मृतकों की संख्या 7,73,000 को पार कर गई है। इस बीच अगर बात करें हम यूनाइटेड स्टेट में तो 54,36,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,70,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 33,59,000 कन्फर्म केसेस, 1,08,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 27,02,000 कन्फर्म केसेस, 51,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। रशिया में भी 9,32,000 कन्फर्म केसेस, तो 15,500 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के COVID-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।